हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है संडे। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं अभी स्टार्ट 10 बजे से। सो गाइज, आप देख रहे होंगे मैं सुबह संडे के दिन आज रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हमारे गाँव में, यहाँ पर एक जगह तिप्ता जी की मंदिर की प्रतिष्ठा। तो अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। अभी मैं अकेली हूँ घर पे, वो थोड़े से काम के लिए गए थे, वो मुझे लेने आएंगे स्कूटी से, तो हम लोग जाएंगे मंदिर। तो आपको मंदिर में देवता जी के दर्शन करवाएंगे। तो गाइज, वो मंदिर पीछे आपको पता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ जो आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पे। वो जहाँ पर पहले मंदिर था देवता जी का, वो टूट गया था। तो अभी दूसरी जगह पे मंदिर बनाया है और उस मंदिर की आज प्रतिष्ठा है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। दिन भर में जो भी होगा आज, वो आपके साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। अभी मैं रेडी हो गई हूँ फिलहाल। अभी ना बढ़िया से धूप लगी है बाहर, तो थोड़ी देर में धूप सेकने बैठी थी, तब तक वो भी आ जाएंगे ऊपर। ये देखिए बाहर किस तरह से बढ़िया धूप लगी हुई है। और गाइस, अभी मैं ना यहाँ पर चेयर लगा के बढ़िया से धूप सेक लेती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मेरे थोड़े से बाल भी सूख जाएंगे। बस तो सूख ही गए हैं, थोड़े पीछे पीछे से रह गए। और तैयार में हो गई हूँ, फिर हम चलेंगे मंदिर के लिए। गाइस, धूप सेकने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो धूप में बैठ के ये बचा हुआ जो मेरा पपीता है, देखिए कल परसों का, तो इसको कट करके अभी मैं खा लेती हूँ। और अभी मैंने बालकनी में मैंने चेयर लगा ली है, और इसको भी कट करती हूँ पपाया को। तो गाइस, बढ़िया से सजा के मैंने पपीता को काट लिया है, और अब मैं ये पूरा का पूरा पपीता खाऊंगी, क्योंकि पपीता ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आजकल पपीता खाती हूँ काफ़ी, और मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो अभी मैं फटाफट से इसको खा लेती हूँ, क्योंकि इसको देख के ना मुँह में बहुत पानी आ रहा है, मज़ा आ जाएगा। गाइज, अभी ना मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, ये धाटू लगा के सदरी ये माला पहनी हुई है मैंने। अब मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि मुझे रील बनानी थी। अभी मैंने एक रील बना ली है, तो मेरी रील देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना हिमाचली अनुनेगी। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो ज़रूर देखना मेरी रील। तो अभी ना मैं अभी तक गई नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने काम से कहीं चले गए थे। तो कुछ देर में मैं निकलूँगी, क्योंकि ये देवता जी की जो देवली हो रही है वो भी थोड़ी सी लेट होगी। तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, तब तक मैंने सोचा मैं रील बना लेती हूँ, तो मैंने रील बना ली है। तो अभी मैं थोड़ी देर गाइस, अभी मैं निकली हूँ घर से। गाँव के जो मेरे साथी है वो आगे चले गए, तो अभी वो मुझे मिलेंगे, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं फटाफट से निकलती हूँ, फिर देवता जी के पास पहुँचेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। मैं भी फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि अब तो शाम भी हो रही है, क्योंकि अब आजकल ना जल्दी धूप चली जाती है, तो अभी शाम हो गया। गाइस, अभी मैं पहुँची हूँ यहाँ शॉप पे। देखिए यहाँ से मेरे साथ ही आ रहे हैं, मेरे साथ बाकी सारे लोग गाँव की जो औरतें थे वो चले गए हैं आगे, और हम दो बच्चे हुए, तो अभी वो तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। शीरो इधर देख, यहाँ देख, ले खा ले, देखा हेलो करा, यहाँ बैठ गए, नीचे यहाँ बैठो। देखिए गाइज, अब धूप भी जा चुकी है, और पहाड़ों पे आपको धूप दिख रही है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ सामने लोग हैं बहुत सारे खड़े हुए। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ जाना है अभी। रोड थोड़ा सा घूम के है, तो थोड़ा सा देर में हम पहुँचेंगे यहाँ, थोड़ा सा चल के भी जाना है। देखो शीरो ने प्यार से बैठा है यहाँ पे। शीरो शीरो शीरो, अभी हम लोग जा रहे हैं देवता जी के पास। अभी ये भी देखिए तैयार होके आ गए हैं, बढ़िया पट्टू पहन के, और देवता जी के लिए फूल भी लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो फूल लेके जा रहे हैं। अभी हमें बहुत सारा चलना रह गया है, अभी यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो हमने यहाँ NHPC से थोड़े से फूल लेके आए क्योंकि और जगह सब जगह सर्दियों में आजकल फूल खत्म है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। आप लोग भी आ जाओ धाम खाने। हाँ, देवता जी के धाम खाने आप भी आइए। गाइज, यहाँ से अभी इतना दूर रह गया हमें जाना वहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ से रोड से हम लोग जाएंगे सीधे। तो इस साइड से देखिए कॉलोनी दिख रही है, और यहाँ पे इसके पीछे हमारा घर दिख रहा है, यहाँ पे गांव दिख रहा है। देखिए हमारे पट्टू वाले आगे चल रहे हैं, इनका पट्टू बहुत अच्छा लग रहा है। सामने को भी हो जाओ, थोड़ा सा अपने पट्टू को दिखाओ हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया एकदम। ये देखिए गाइज, यहाँ का व्यू हमारे गाँव का,
तो यहाँ से पूरा यहाँ तक है, और ये जो रोड है ये हमारे ऊपर वाले घर जाने का रोड है। तो अभी बहुत सारा चलना रह गया हमें, आधे रास्ते तक तो पहुँच गए हम लोग, तो आधे तक चलना है। अभी पीछे से वो भी आएंगे स्कूटी लेके, वो भी आ रहे हैं अभी। अभी पहले उन्होंने घर पहुँचना है, घर से वो चाबी लेके आएंगे स्कूटी के, फिर लेके आएंगे। हम जैसे मोटे मोटे तो मुझे स्कूटी पर लग रहा है कि नहीं आएंगे तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। दुदाला जी है जी, तिप्त दुदाला जी के मंदिर हम भी जा रहे हैं। हम तिप्त दुदाला जी का नया मंदिर बना है, जो पुराना मंदिर था उनका वो यहाँ सामने था, मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ से वो मंदिर जिस टाइम बाढ़ आई थी तो बाढ़ में वो टूट गया था, तो नया मंदिर थोड़ा सा ऊपर बनाया। अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा गांव दिख रहा है अभी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से हमारे ना पूरा रोड दिख रहा है जो हमारे ऊपर वाले गांव के लिए जाता है। यहाँ पे हमारा गांव है दूसरा, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये वाले रोड से ऊपर यहाँ पे पहुँचता है, और यहाँ दूसरा गाँव है हमारा। इस साइड वाले रोड में मैं, इस साइड वाले गाँव में मैं आज फर्स्ट टाइम ही आई, जहाँ से हमारा सामने गाँव दिखता है। तो आज मैं यहाँ से देख रही हूँ, व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपको भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से गांव कितना अच्छा लग रहा है गाइज। ये हमारा सामने गांव है, यहाँ ऑफिस, यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा है ऊपर तक गाइज। यहाँ से कितनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, उस टाइम पे पूरा टूट गया था, और यहाँ पे अगली साइड यहाँ पे मंदिर होता था पहले। ये पहाड़ से कुछ इस तरह से दृश्य हुआ था, यहाँ पे टूटा था मंदिर, तो अब मंदिर यहाँ ऊपर वाली पहाड़ी पर बना है गाइज। यहाँ से आप नीचे देख रहे हो, इस जगह पे पहले मंदिर था ये वाला, तक दरार पहुँची थी, ये सारे मंदिर की दीवार थी, यहाँ से पीछे ग्राउंड था यहाँ पे। और ये अभी यहाँ से देख रहे, देखिए हम आज फ्लड के बाद फर्स्ट टाइम ही आए। ये देखिए मंदिर की पौड़ी, आप देख रहे हो ये मंदिर की पौड़ी थी उस टाइम पे, और इसके पीछे को मंदिर था यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आगे से टूट के किस तरह का हो गया है, पूरा ही टूट गया है, देखिए पूरा यहाँ रोड तक टूट गया था। थोड़ी देर में हम गाइस पहुंचने वाले हैं। ये जो मेरे साथ साथी है ये बहुत थक गए, क्योंकि ये बहुत मोटे हो गए हैं तो ये जल्दी, हाँ हो गए थोड़े बुढ़े तो नहीं हुए अभी ना। कितने सारे लोग आए आज, ये श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ से सारे रोड में, सारे मोटरसाइकिल हाँ मोटरसाइकिल छे गिने आपने पूरे गिन लिए। देखिए कुछ लोग नीचे को आ रहे हैं अभी, यहाँ भी कुछ खड़े हुए हैं अभी खाएंगे। ये मंदिर के लिए अभी नया रोड खुला है, यहाँ से अभी तक ये अच्छी तरह से बना नहीं है, तो अभी इसकी खुदाई होके अभी बना हुआ है ये, फिर भी ठीक ही है। हाँ फिर भी ठीक है, मतलब चलने लायक अच्छा लग रहा है। ये अपनी शॉप को देख रहे हैं, यहाँ से स्पष्ट दिख रही है, बोले इनको अपनी शॉप, यहाँ पे इनकी शॉप है नीचे। बच गए हम देव जागा जी की वजह से ना, हाँ पता नहीं क्या होना था, जम होते भी कि नहीं। हाँ ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है गाइस अभी पूरा। चलिए गाइस हम लोग पहुंच गए हैं देवता जी के यहाँ पर, मंदिर के यहाँ पर, तो पास जाके मंदिर में देवता जी के दर्शन करवाते हैं आपको। इतने सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर, यहाँ पर ये भी मिल रहे हैं जय माता दी के। चलो चलो डालो मेरे गले में भी जय माता दी। हमें तरह के लिए है यहाँ पर आपको। हाँ कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, देवता तुदाला जी का मंदिर, और बहुत सारे लोग आए हैं देखिए यहाँ पर। देखिए हमारे साथी इतने सारे आए थे सारे मंदिर में दर्शन करने, बढ़िया दर्शन हो गए, और ये भी मिल गए ये देवता जी का आशीर्वाद मिला है हमको सबको। देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा की कितनी अच्छी प्रतिमा बनी हुई है मंदिर में, और यहाँ पर एक देवता जी का मंदिर है। देखिए ये देवता पंछी रखी है यहाँ पे, देखो पट्टू वाले कितने अच्छे लग रहे हैं सारे ये इन्हें बोलते हैं बुमड़िया और इसे बोलते हैं पट्टू, पट्टू में लगा दी 10 उधर आगे से चलो परे राहुल बोला रखो
राजीपाल जी का मंदिर बनाया है और ये राहुल राहुल बताएगा सारा इसके बारे में। दरअसल मैं कुछ नहीं, दरअसल मैं कुछ भी नहीं। ये देखिए हमारे पंचायत के प्रधान जी है ये, और जिनके साथ मैं आई थी इनके वाइफ है। हमारे जेठ जी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ खुश तो होंगे, मंदिर बना इतना अच्छा। पापा भी आए, पापा जी मैंने मार दिया डिलीट। मैं करो आपको मैसेज तो भाई मैं डिलीट मार दिया आपको भेजना आपको तक करना। ये देखिए मेरे पापा और इनको यहां पर दोस्त मिले थे इनके। ये देखिए बढ़िया धाम ठीक है यहां पे देव ठीक है। हम यहाँ पर बैठ गए ना खाने। गाइस अभी खाना खा के आई हूँ मैं, यहाँ पर बैठी हूँ मंदिर में, और देखिए साथ में देवता जी भी है, और जो मेरे साथ के जो मेरी सारी साथियाँ थी वो सारे जा चुके अपने घर के लिए, और मैं अभी उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो अभी खाना खाने गए हैं संजू, और जब तक वो आते हैं तब तक उनका वेट कर लेती हूँ यहीं मंदिर में बैठ के। तो मंदिर में बैठ के ना इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं अकेली बैठी हूँ मंदिर में तो उनका वेट कर लेती हूँ। यहाँ देवता जी के साथ सेल्फियाँ ले रही हैं कन्याएं।